ये टूटा हुआ टिफिन कैसे दिया था तूने मुझे? पागल समझा मुझे? नहीं मैम साहब, मैंने ठीक टिफिन दिया था आपको। और अगर ये खराब था तो आप 3 दिन बाद क्यों लेकर आ रही है? यही करने में लगी रहूं मैं हैं? और तेरा क्या कहने का मतलब है? मैं सामान यहाँ से सही लेके गई हूँ, घर पे जाके तोड़ दिया है और वापस ले आई हूँ। नहीं मैम साहब, देख रहे तू, एक तो सामान गलत दिया है, ऊपर से झूठ बोलने का इल्जाम लगा रही है। मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रही मैम साहब, मैंने आपको खराब टिफिन नहीं दिया, आप खुद ही तो देख कर लेकर गए थे। अरे दीदी, आप क्यों उसको परेशान कर रही हो? चुप रहे तू, चुपचाप से ना मुझे टिफिन बदल के दे, वरना अभी सोसाइटी सेक्रेटरी को कॉल करके कंप्लेन कर दूंगी और यहाँ से रफा दफा करवा दूंगी। फिर ढूंढती रही हो जगह अपनी दुकान लगाने के लिए। मैम साहब, आप क्यों मेरा नुकसान करा रही हैं? दूसरा टिफिन दे रही है या अभी कंप्लेन करूं? नहीं मैम साहब, नहीं, मैं देती हूँ, अब शिकायत मत करिए। दीदी, 100 रुपए की चीज के लिए क्यों आपने उस गरीब को परेशान किया है? तो जो गरीब दिख रही है, मैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हूँ, मुझे पता है कौन सी चीज कितने की मिलती है। पर दीदी, ऐसे एक टूटे सामान के बदले एक नया सामान लेने से कुछ तो नुकसान हुआ होगा ना उसका? अरे यार, ये लोग हमारे पैसे लूट के अपनी दुकान चला रहे हैं और तुम इसी को सिंपैथी दिखा रहे हैं। पर दीदी, इस तरह से उसको परेशान करने से किसका? चुप रहे, घर चल। अरे यार शिट, फिर भूल गई मैं। क्या भूल गई? मासी ने बोला था कुछ, वो 3 मग्स ले आओ। अरे बोल दियो, भूल गई। आइडिया, कितने चाहिए? बस 3 नॉर्मल। अभी दिलाती हूँ हाफ प्राइस में। ओके। मग्स कैसे दिए? मैम साहब, 45 का एक और जोड़े 80 के। क्या 45? ये 3 दे दे, 15 का एक। 15 रुपए का मैम साहब, मैंने 45 बोला, अब कुछ तो सोच समझ के बोलिए। 15 में दे दे, चुपचाप से पैक कर। इतने में तो मेरी खरीद भी नहीं हो पाती है मैम साहब, मैं ऐसे कैसे दे दूं आपको? 15 रुपए दूंगी, दे दे वरना वो भी नहीं दूंगी। आप ना कहीं और जाके ले लीजिए, बेमतलब की परेशान करने की ना लत लग गई है बस। आप क्या बोला, क्या बोला? बेमतलब की परेशान करने की लत लग गई है, हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? एक तो मेरी सोसाइटी के बाहर तूने ठेला लगाया हुआ है घटिया सा अपना, और मेरे से जबान लड़ा रही है, हैं? ये घटिया से डब्बे क्या ले लिए मैंने बिना पैसे दिए, ये सब बोलेगी? हटा, क्या सामान है, क्या सामान है? टूट जाएगा, टूट जाएगा। हटा इससे, ले गो, चल चल, आगे से दिखी ना अगर तो ये ठेला पूरा का पूरा उड़ा दूंगी, तेरी टांगे भी तोड़ दूंगी, निकल यहां से। मैम अपना वो शिप। क्या शिप? मैम जो प्लास्टिक प्रोडक्ट वाला शिप था वो पोर्ट पहुंचने के पहले पलट गया। क्या? अरे उस कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने लाखों रुपए फंसाए हुए हैं, 2 दिन में डिलीवर नहीं हुआ तो पैसों का नुकसान तो हो गई, मेरा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है उस डील पे, तो मैं इसको हाथ से नहीं जाने दे सकती सचिन। I can understand. No, you cannot. And if you can, तो शिपमेंट रेस्क्यू होनी चाहिए कल शाम तक। It's impossible, आपको भी पता है। तो क्या मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं? मैम, I think हमें अपने नेटवर्क के बड़े डीलर से कांटेक्ट करना चाहिए। क्या बड़े डीलर? अरे इस बारी का कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा हमारा था, वो 2 दिन में कैसे अरेंज कर देंगे? अरे बोलो, आप कोई सोल्यूशन दो। फिर तो एक ही रास्ता है, जो छोटे डीलर्स के पास स्टॉक में पड़ा हुआ है माल वो हम लेते हैं। I mean, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे बट कुछ तो होगा। अरे पर कैसे पता कि वो कितने प्रोडक्ट्स दे सकते हैं हमें, और ऊपर से छोटे डीलर्स को ढूंढने में ही 2 दिन चले जाएंगे। मगर हम 70-80% भी प्रोडक्ट क्लाइंट को दे देते हैं तो 1-2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम तो वो देगा ना, तब तक हम अरेंज कर लेंगे। और रही बात इनकी, तो इनसे कांटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका आपको पता है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
लो ना चाय। मेम साहब अब इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। इन्होंने बताया मुझे कि मुझे आपके लिए काम करना होगा और उसके लिए आप मुझे खूब सारे पैसे देंगे, पर मुझे अब आपके लिए काम करना ही नहीं है, तो इस सब का क्या फायदा? देखो, जो बड़े दुकानदार हैं ना, जिनसे तुम ठेले के लिए सामान लेती हो, बस तुम्हें उनसे मिलवाना है हमें, और तुम जितने पैसे बोलोगे ना उतने पैसे दूंगी। मेरे पहले तो हक के पैसे आपसे दिए नहीं गए, पर अब आप मुझे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो। पहले के लिए जो कुछ भी हुआ आई एम रियली सॉरी, पर अपने बच्चों की सोचो ना, जो तुम महीने लगा के कमाती हो वो मैं एक दिन में दे रही हूँ तुम्हें। आप जैसे लोगों को लगता है कि हम कुछ गरीब लोग पैसों के आगे झुक जाते हैं, तो आप उससे हमारा हौसला दबा सकती है, पर ऐसा नहीं है मीम साहब। और रही बात मेरे बच्चों की, तो मेरे बच्चों की चिंता आप मत करिए, उन्हें मैं देख लूंगी। मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, प्लीज समझो। अगर मैंने इस बार आपकी सुन ली ना मीम साहब, तो जो आपका नजरिया है हम गरीबों के लिए वो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए आपका नजरिया बदलने के लिए आपके इस अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं चलती हूँ। The way we behave with people who are not financially superior than us is our true character. If we can be a bit more kind, then we can build a better society. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.